सक्ती जिला बनने के बाद प्रशासनिक कसावट की उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन जिले में रेत माफिया के हौसले बुलंद है। बेरकेल डोटमा में महानदी के किनारे रेत का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। आपको बता दें कि बकायदा चंद्रशेखर नाम का एक युवक सुबह से ही नदी किनारे बैठकर पुलिस और प्रशासन का धौंस दिखाकर ट्रैक्टर चालकों से अवैध वसूली करता है। आरोप है कि युवक एक ट्रैक्टर चालक से 300 रुपए की अवैध उगाही करता है। औसतन घाट से रोजाना 100 ट्रिप रेत निकाली जाती है और इस तरह रोजाना 30,000 की उगाही को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस अवैध वसूली का खेल किसकी सह पर चल रहा है। ढोटमा से ले था 300 रुपए ठिकानी हो गया। रॉयल्टी पैसा लेते हैं? हाँ। कौन लेते हैं? चंद्रशेखर। का होते तुम्हारे यहाँ ढोटमा रेट घाट में? रेता खनहान है, रेता खनहान थे, रेता निकला थे और रेता निकला थे तो वो रॉयल्टी 300 रुपया रॉयल्टी नहीं दे, लेकिन 300 रुपया वहाँ कटा थे हर ट्रेटर 50-60-70 ट्रेटर रेता रोड निकलते थे। तुम्हारा कितना देते गाँव के ना मजदूरी? हमारा 250 एक ट्रैक्टर में। एक ट्रैक्टर में अभी तक पुलिस के संज्ञान में नहीं आ रही है, आने पर जांच कर कार्रवाई की जाए।